प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम मिशन शक्ति को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्यालय में फर्स्ट इंडिया न्यूज पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पीएम का संबोधन सुना। कार्यक्रम के बाद फर्स्ट इंडिया संवाददाता ने भाजपा के प्रमुख नेताओं से चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी समेत तमाम पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना और स्पेस पावर बनने को लेकर सभी ने खुशी व्यक्त की। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी और भाजपा के अन्य नेताओं में ओंकार सिंह लखावत, भजन लाल शर्मा समेत तमाम नेता मौजूद रहे। हम इस बात को लेकर बातचीत करते हैं, संक्षेप में इनका क्या कहना है। परनामी जी, किस तरीके से देखते हैं आज के इस, जिस तरीके से आपने तमाम लोगों ने टीवी देखी, पीएम साहब का संबोधन सुना, किस तरीके से देखते हैं भारत को आज पूरे विश्व में? आज प्रत्येक देशवासी अपने आप को गर्व महसूस कर रहा है और गर्व इसलिए महसूस कर रहा है कि हमारा भारतवर्ष अंतरिक्ष रूप से पूरे विश्व की चौथी शक्ति के रूप में उभर के आया है। इससे पहले अंतरिक्ष में केवल मात्र अमेरिका, रूस और चाइना था। आज भारतवर्ष का भी नाम जुड़ा है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, हमारे देश के सभी वैज्ञानिकों को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि उनके प्रयासों से आज हमारा भारतवर्ष देश की चौथी शक्ति के रूप में, आंतरिक शक्ति के रूप में उभर के सामने आया। हमारे साथ चतुर्वेदी साहब भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अरुण जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि पीएम मोदी का संबोधन आपने तमाम लोगों ने सुना? जी, मैं कह सकता हूं कि हम सब भारतीयों के लिए, 130 करोड़ का भारत आज अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है कि हमारा ऐसा नेतृत्व और विशेष रूप से हमारे डीआरडीओ के सभी वैज्ञानिक, उनकी टेक्निकल टीम, फील्ड स्टाफ, उन सब ने जो आज एक अपनी कुशलता का परिचय दिया है कि पहली बार हम आज दुनिया के चौथे बड़े राष्ट्र में हुए हैं जो अंतरिक्ष के मिसाइल पावर के रूप में अपने आप को पूरी तरह से इक्विप्ड कर पाया। बहुत 3 मिनट में केवल एजे मिसाइल के माध्यम से, जो आप मिशन अपना अर्थ मिशन था, उस मिशन के माध्यम से जो सैटेलाइट को उन्होंने समाप्त करने का काम किया, 300 किलोमीटर की मार का मिसाइल तैयार किया है, इस मिसाइल से जो लाइव सैटेलाइट था उसको ध्वस्त किया, और इस सब के माध्यम से संपूर्ण दुनिया को एक संदेश और प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उन्होंने कहा कि ये पूरी जो हमने मिसाइल को लॉन्च किया है, ये अपनी सामरिक ताकत को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि भारत की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और संपूर्ण विश्व को एक बात कहा है कि हम संपूर्ण विश्व में शांति चाहते हैं, सौहार्द चाहते हैं, विकास चाहते हैं, और इस सब का माध्यम कहीं सैटेलाइट भी बनेगा, इसका संदेश उन्होंने दिया। बिल्कुल, मेरे साथ ओंकार सिंह लखावत साहब भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि लखावत साहब क्या कहेंगे। लखावत साहब, क्या आप मानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद आज प्रधानमंत्री के इस संबोधन का सभी को इंतजार था और अचानक से जब जैसे ही उन्होंने जानकारी दी तो आप तमाम लोग खुशी से झूम उठे, चुनाव में भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा? देखिए, मेरा ये कहना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी जो सामरिक क्षमता है और भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में दुनिया में जो उभर करके आया है, सर्जिकल स्ट्राइक केवल सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, बल्कि पहले दुनिया में केवल मात्र 2 देश ऐसे हुआ करते थे जो दूसरे देश में जा करके और अपने दुश्मन को मार के गिराते थे। भारत उसमें जो प्रवेश किया और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अपनी सामरिक जो सैन्य ताकत दिखाई, ये दुनिया के अंदर भारत का गर्व से ऊंचा हो गया। और अब हमको चुनौती देने वाला आदमी 10 बार सोचेगा, एक बात। और दूसरा, आज जो परीक्षण किया गया है, मैं आपसे कहता हूँ अद्भुत है। जैसे माननीय वाजपेयी जी ने परमाणु युक्त भारत किया परमाणु परीक्षण करने के बाद, और सारी दुनिया में हमारी एक ताकत बढ़ी और सारे विश्व को इस बात का एहसास हुआ कि भारत भी एक दुनिया की बड़ी परमाणु युक्त एक देश बन गए हैं। अब आज के बाद अब भारत से गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग करने वाले देशों की संख्या बढ़ेगी और भारत की तरफ आंख उठाने वाले जो लोग हैं उनको अपनी मौत और कयामत को समझना पड़ेगा कि भारत संदेश। भजन लाल जी, आप क्या कहेंगे इसको? देखिए, जो भारत के नागरिक सपना देखते थे कि जिस तरह से विश्व के और देश हैं जो अंतरिक्ष में जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो हमारा भी सपना होता था कि भारत भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम करेगा। निश्चित रूप से आज जो काम हुआ है उसके लिए हर भारतीय को बहुत बड़ा गर्व है, और आज जिस तरह से चौथी शक्ति के रूप में विश्व में भारत अग्रणी हुआ है अंतरिक्ष मामले में, ये बहुत ही खुशी का विषय है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक से एक बढ़कर के जो काम हो रहा है,
लोगों के अंदर इस बात का उत्साह है, निश्चित रूप से सबको खुशी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव में एक और बात होगी, वो होगी स्पेस पावर। भारतीय जनता पार्टी के अब तमाम नेता और कार्यकर्ता स्पेस पावर को लेकर भी बात करने शुरू कर दिए हैं। अब आगामी सभाओं में अब इस चीज का भी जिक्र किया जाएगा, ये तय मानिए। कैमरा पर्सन जीतेश के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।